हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में ये जो मेरा पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन को अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि पार्ट वन में आपको क्या क्या करना है, कहाँ से क्लिप्स उठाना है। मैंने चार पाँच वेबसाइट्स के बारे में उस पार्ट वन वीडियो में जिक्र किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है और उसको वॉइस ओवर आप कहाँ से करेंगे और इसको एडिटिंग कैसे करना है। इस वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहे। जैसे कि देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को तैयार करके रख लिया है जो कि ये एक मूवी का स्क्रिप्ट है। अगर आप इसे स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मूवी का स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट को आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसे रिकॉर्ड कर लेना है। आप रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो कि सबसे बेटर है। आप चाहे तो OBS को यूज कर सकते हैं, स्ट्रीम लैब को यूज कर सकते हैं। बस आपको जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड होता है उसी तरह से इसे रिकॉर्ड कर लेना है और एडिटिंग करते समय बस उसके वॉइस को हटा लेना है और वीडियो को डिटैच करके डिलीट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट में भी एडिट कर सकते हैं और फिल्मोरा में भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास वॉइस ओवर ऑलरेडी है तो अब उसे एडिट कैसे करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले फिल्मोरा को यहाँ पे ओपन करूँगा, उसके बाद क्या क्या करना है मैं आपको दिखाऊँगा कैसे एडिटिंग होती है। और आपको अगर आप फेसबुक के लिए इस वॉइस ओवर वीडियो को यूज करना चाहते हैं तो फेसबुक वाले आप ऑडियो लाइब्रेरी को यूज करेंगे, वहाँ का म्यूजिक को आप उठाएंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए यूज करते हैं तो आपका यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूजिक को उठाना है। तो देखिए, यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एडिट करना है। तो वीडियो में एकदम शुरू से लेकर आपको लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपको इसे खुद से तैयार करना है लिख के। आप अगर किसी मूवी को देखे हैं, पूरी मूवी का कहानी आप जानते हैं तो आपको मूवी का ही स्क्रिप्ट लिखना है, या फिर कुछ और स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उस पर वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मूवी को भी एक्सप्लेन करना है तो देखे, आपने मान लीजिए कि मूवी को एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पे आपने ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया, जो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे ऑडियो है, मैंने ऑलरेडी ऑडियो को यहाँ पे एडिट कर लिया है। यहाँ पे देखे, ये ऑडियो जो है ये स्क्रिप्ट वाला ऑडियो नहीं है। तो देखे, इसे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि स्ट्रीम लैब में अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वॉइस, इसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके राजा की बहन देवसेना से, तो इसी तरह से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आप एडिटिंग कैसे करेंगे। एडिटिंग करने के लिए बेसिकली मैं दो सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ। पहला सॉफ्टवेयर हमारा ऑडासिटी है जो कि आपको मैंने कई वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऑडासिटी, यहाँ पे जो है इससे आप ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एडोब ऑडिशन से ऑडियो एडिट करना चाहते हैं तो इसका पेड वर्जन आपको लेना होगा, आप इसमें भी ऑडियो एडिट कर सकते हैं। मैं इसमें भी ऑडियो एडिट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया और ऑडासिटी में या फिर ऑडियो वाला जो यहाँ पे एडोब ऑडिशन का सॉफ्टवेयर, इसमें आपने एडिट कर लिया ऑडियो को। उसके बाद क्या करना है कि अब मूवी को जो आपने जब जब एक्सप्लेन किया है, एक मूवी को पूरे के पूरे उठा लेना है और बीच बीच वाले पार्ट को कट कर लेना है और उसे एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे टॉपिक पर बात करी है तो आप दूसरे के, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि छोटे छोटे वीडियो को आप उठा सकते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से या फिर कैनवा साइट से भी आप उठा सकते हैं और इसके ऊपर में लगा देना। जैसे कि देखिए, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे फुटेज डाउनलोडेड है। यहाँ पे देखिए कि फुटेज मैंने जो निकाल के रखे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक्सप्लेन किया कोई भी वीडियो को, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ आया तो इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे। यहाँ पे देखिए कि इस तरह, वेलकम बैक फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरह के वीडियो को आपको ऑनलाइन माध्यम से आप इस तरह के वीडियो को आप जो है उठा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ढेरों, मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ ढेरों। यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए ढेरों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो फुटेज है, जो कि पेड वाला फुटेज है, मैंने परचेज किया है। इस फुटेज को आप यूज कर सकते हैं अगर आप भी उस फुटेज को परचेज करते हैं तो, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो को भी उठा सकते हैं। GIF मैंने बताया आपको, पिक्सावे बताया, पिक्सल्स बताया, सभी को आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक साथ सारे वीडियो को यहाँ पे जो लाया तो यहाँ पे थोड़ा मेरा ये सॉफ्टवेयर स्लो हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है ठीक इसके ऊपर में उस वीडियो को यहाँ पे फिट कर देना है।
आप चाहे मूवी को एक्सप्लेन करें या फिर कोई भी एक्सप्लेन करें, मैं आपको एक चैनल का एग्जांपल दूंगा। उसमें वो क्या करते हैं कि उस मूवी के स्क्रिप्ट पर ही काम करते हैं, मूवी के पूरे स्क्रिप्ट को वो जानते हैं या फिर कहीं से भी निकालते हैं। आप ऑनलाइन में जाएंगे, अगर यहाँ पे देखिए ब्राउज़र में आप जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ब्राउज़र में जब आप जाएंगे तो किसी भी मूवी का कोई भी कहानी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा उसमें अपना खुद का जोर देना है और उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में बदल के उसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि लेटेस्ट मूवी है, जैसे कि लेटेस्ट मूवी अभी आया हुआ है, लेटेस्ट मूवी जैसे कि आदि पुरुष आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आदि पुरुष का मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट अगर मैं निकालना चाहूँ, स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, स्क्रिप्ट लिख के हिंदी में लिखना, हिंदी में निकालना चाहते हैं, हिंदी जो भी भाषा में निकालना चाहते हैं आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फिल्मी बीट वाला जो साइट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे विकिपीडिया का भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको खुद से एक स्क्रिप्ट लिखना है। खुद से जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो आपका खुद का होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आदि पुरुष के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ, एक आगामी फैंस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, ये सब जो है आपको जरूर आपको वॉइस ओवर में बोलना चाहिए, तब आपके जो है ऑडियंस जो है उसमें अटेंशन बनाए रखेंगे और आपके उस स्क्रिप्टेड वीडियो को देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जिसके पास टाइम नहीं होता है पूरी मूवी देखने की, वो स्क्रिप्ट वाले वीडियो देखते ही देखते हैं और स्क्रिप्ट वाले वीडियो ज़्यादा वायरल होते हैं अगर आप मूवी स्क्रिप्ट वाले बनाते हैं तो, क्योंकि सब जानना चाहता है कि इस मूवी में इतना फेमस जो हुआ इसमें क्या था क्या नहीं था। कभी कभी मूवी से यहाँ पे जो आपने देखेंगे कभी से मूवी से ट्विटर ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है, फेसबुक बायकॉट शुरू हो जाता है, तो वो उस टाइम में अगर आप वॉइस ओवर वाला वीडियो बनाते हैं तो आपका खूब वायरल होने वाला है। जैसे देखें यहाँ पे आदि पुरुष के बारे में यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी हुई है, कितने रुपये में बना, कब ये बनना शुरू हुआ, क्या क्या इसके एक्टर है, सब कुछ यहाँ पे आपको विकिपीडिया में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए संगीतकार, छायाकार, अभिनेता, यहाँ पे आपको डायरेक्टर, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं यूट्यूब में विजिट करता हूँ, दिखाता हूँ कि जो मूवी पर स्क्रिप्टेड वीडियो आपको ढेरों मिल जाएगा। आप चाहे तो उसके स्क्रिप्ट को भी जो है उठा सकते हैं, थोड़ी सी एडिट करना है, खुद से आपको वॉइस ओवर करना है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट स्क्रिप्टेड वाला जो है जो हॉलीवुड पर अपना स्क्रिप्ट वीडियो बनाते हैं, मैं उसके चैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हम देखें अब जो फेमस चैनल है मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पे देखें उस चैनल का नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे यूट्यूब ने सजेस्ट कर दिया है, यही है उसका चैनल का नाम। मैं इसे सर्च करता हूँ तो देखें इसके कितने सब्सक्राइबर है, और बस ये क्या करते हैं कि मूवी पर ही काम करते हैं। यहाँ पे देखें 4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है और इससे रिलेटेड ढेरों बंदे जो है इसके वीडियो पर देखे ढेर सारा व्यूज भी आते हैं। ये हॉलीवुड मूवी पर जो है स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसी मूवी का जो है कुछ आपको पार्ट्स भी इस मूवी में पूरे मूवी में लगा देते हैं और इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है और इसके वीडियो खूब चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट वीडियो को, अगर मैं दिखाऊँ तो लेटेस्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि देखे 2 घंटा पहले इन्होंने डाला है, 3.6 के इसके व्यू आए हैं। एक दिन पहले इन्होंने डाला है 95,000, एक दिन पहले इन्होंने डाला है 229 यानी कि 2,29,000 यहाँ पे व्यूज आए हैं इसके। यहाँ पे देखिए इसके अच्छा खासा व्यूज आते हैं। यहाँ पे इसके एक और भी चैनल है तो यहाँ पे देखिए इसमें भी इन्होंने सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके वीडियो को प्ले करके और म्यूट करके भी दिखाता हूँ। अगर पूरे वीडियो में आप देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक वीडियो प्ले हो रहा है पूरे के पूरे वीडियो में इन्होंने अच्छी तरह से इसका वॉइस ओवर किया है। बहुत ही अच्छा इसका माइक होगा, बहुत ही अच्छी तरह से ये वॉइस ओवर करते हैं और उसी मूवी के पार्ट को ये अपने इस वॉइस ओवर में लगाते हैं। इसी भी वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। व्हाई आर यू, देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो को प्ले कर दिया। यहाँ पे देखे कि इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखे अब इन्होंने जो किया है, थोड़ा मैं आपको इसकी वॉइस को भी सुनाता हूँ। चार्ल्स मोस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बिलियनियर है, यानी कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। देखे फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो कुछ वॉइस किया है पूरे के पूरे मूवीज में इसकी वॉइस ही इतना पावरफुल वॉइस है कि इसके वॉइस को ही लोग सुनते हैं और वीडियोज में भी देखते हैं। मूवी क्लिप्स को जो है वो वही जगह पर ये फिट करते हैं जो इन्होंने वॉइस ओवर किया हुआ है।
तो देखें फ्रेंड्स, इसके इसका चैनल का नाम देख ले आप, इसे जो है यूट्यूब पे सर्च करें और इसी इसके ही जैसा आप वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो देखें आपका वीडियो खूब चलेगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा वीडियो को स्किप कर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें पूरे में इन्होंने वॉइस ओवर किया है और मूवीज के क्लिप्स को ही यहाँ पे इन्होंने उठा उठा करके लगाया है। अगर आप इसके वीडियो को देखते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने पूरी मूवीज को ही देख लिया है, क्योंकि अब इसने जो है पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा कहानी एक ही वीडियो में आ जाए। अब इसका देखें कि 11 मिनट का ही ये वीडियो है, 11 मिनट 48 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इतना ही देर में इन्होंने पूरे की पूरी मूवीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक इसी तरह से आपको 10 मिनट के अंदर में ही एक्सप्लेन कर देना है और तब चाहे तो आप उस मूवी के क्लिप्स को यूज कर सकते हैं। देखें फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट टू जो वीडियो था, मैंने पार्ट टू को अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक अच्छी तरह से स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार करना है। दूसरे नंबर में मैंने बताया कि आपको उसी स्क्रिप्ट को यहाँ पे आप चाहे तो स्ट्रीम लैब के जरिए या फिर OBS के जरिए उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उसे एडिट करेंगे, Audacity के माध्यम से आप अच्छी तरह से एडिट करेंगे या फिर Adobe Audition के माध्यम से अच्छी तरह से उस ऑडियो को एडिट कर लेंगे। जब आप ऑडियो को एडिट करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल्मोरा में आना है। यहाँ पे देखिए फिल्मोरा में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑडियो को यहाँ पे लगा देना है नीचे वाले लेयर में। यहाँ पे जैसे कि आप ऑडियो लगाएंगे, अब आपने ऑडियो में जो जो बात आपने बोला है उसी उसी पार्ट को यहाँ पे आपको कट करके यहाँ पे लगाना है। अब क्या करना है कि अब एक और यहाँ पे ट्विस्ट है कि क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर फुटेज लेते हैं, मूवी लेते हैं, तो उसपे मैच टूल का थोड़ा खतरा रहता है कॉपीराइट का। वैसे तो जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो खतरा नहीं मन रहा था आपके वीडियो के ऊपर। मैंने इसे करके देख लिया है YouTube पर भी और Facebook पर भी। आपको यहाँ पे देखे यहाँ पे इसके स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाना तो यहाँ पे देखे जब आप स्पीड एंड ड्यूरेशन में पहुँचते हैं तो 110 तो आप इसका स्पीड कर ही सकते हैं, लेकिन एक और इसके स्पीड को बढ़ाने का तरीका है। देखे यहाँ पे आपको कर्सर रखना है। सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कर्सर रखना है इसके सबसे लास्ट भाग में। यहाँ पे जब कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे देखे कि अब तीर जो है दोनों तरफ यहाँ पे एरो इसका बन गया है। अब आप कंट्रोल को प्रेस करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लाएंगे और कंट्रोल को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गोल गोल बन जाएगा तीर इसका। अब जब इसे कंट्रोल को प्रेस करते हुए आगे पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है स्लो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फास्ट और स्लो यहाँ पे हो रहा है। कंट्रोल को प्रेस करते हुए जब आप करते हैं तब ये ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको किसी वीडियो के स्पीड को स्लो कर देना है, किसी वीडियो के स्पीड को फास्ट कर देना है आपको। अब जब इस तरह से आप अपने वॉइस ओवर वीडियो को लगाते हैं तो आपको कभी भी कॉपीराइट का मसला नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखें, मैं इसके फालतू भाग के ऑडियो को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ आपने खुद का वॉइस ओवर लगाया है, बस क्लिप आपको आपने स्पीड कर ही दिया है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल वाला है तो यहाँ पे इसके स्पीड को भी मैं यहाँ पे फास्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर में आपको कितना फास्ट ये वीडियो हुआ है कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएगा। अगर आप फास्ट करने के लिए बार बार यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको कंट्रोल को प्रेस करते हुए ही इसके स्पीड को फास्ट करना है और स्लो करना है। देखिए अब ये जो है स्लो हो गया है, इतना स्लो हो गया है। अब इसको फास्ट भी हम यहाँ से जो है कर सकते हैं, बस कंट्रोल को प्रेस करते कर देना है। जब यहाँ पे ये गोल सा बन जाएगा तो आपको खींच के यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ला देना है। तो देखिए ये अब स्लो हो गया है। अब इसे हम और फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा और फास्ट यहाँ पे करता हूँ। देखें अब ये जो है फास्ट हो गया है। यहाँ पे देखें, इसी तरह से आपको स्लो करना है, फास्ट करना है और उसके बाद जो है इसके बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूजिक लगाना है ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब इसे अपने फेसबुक पेज के लिए, यूट्यूब के लिए आप यूज कर सकते हैं, आपका वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब आप खुद का वॉइस ओवर करते हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा फेसबुक पर, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।